अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की रेसिपी खास उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर सकें। तो पहला इंग्रेडिएंट जो इसके लिए चाहिए वो है ओट्स। ओट्स को एक से दो बार वॉश कर लें। वैसे तो ये साफ ही होते हैं लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए, और इसे उन्हें भिगो के रखते हैं। नेक्स्ट एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल, मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ और बहुत थोड़े क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद इसमें प्याज, लहसुन और अदरक हो जाएगा। प्याज, अदरक, लहसुन को थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा पका लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे प्याज, लहसुन, अदरक है वो अब मज़ीद जले ना। और इसके जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो अब इसमें हम अपने जो ड्राई मसाले हैं वो डाल देंगे। और मसाले इसमें सारे वो रूटीन के नॉर्मल जो मसाले हम हल्दी, लाल मिर्च और नमक ये यूज़ करते हैं वही डालेंगे। लेकिन एक ख़ास बात कि हेल्दी रेसिपी है तो जब भी आते हैं वेट लॉस की तरफ तो उसमें सबसे पहले होता है कि आपने अपना जो नमक का इंटेक है वो कम करना होता है। तो नमक जो है इसमें मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और वो भी बहुत थोड़ा। बाकी आप अपने वेट के लिहाज से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा नमक यूज़ कर रही हूँ। मसाले डालने के बाद अब इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर, प्याज, लहसुन जब हमारा है वो सारा नरम हो जाएगा तो हम इसमें जो हमारी सब्जियाँ वो डालेंगे। सब्जियाँ आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मटर इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने यहाँ फ्रोज़न जो मटर है वो यूज़ किए हैं। सब्जियाँ जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मटर, शिमला मिर्च, गाजरें, इस तरह की जो भी सब्जी जो आपको पसंद हो उसमें डाल सकते हैं। पालक डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे क्योंकि मटर जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में। मटर गल चुके हैं तो अब इसमें मैंने गाजरें जो हैं वो डाल दी हैं। गाजरें मैंने बहुत छोटी छोटी काटी हैं ताकि वो जल्दी जो हैं वो पक जाएँ, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अब है जी ओट्स की बारी। ओट्स जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ओट्स को पहले से भिगो के रखने का ये फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। वैसे 5 से 6 मिनट तो जो है वो लगेंगे इसको, ये पक जाएंगे। पानी इसमें 1.5 से 2 कप जाएगा। अगर आप ज़्यादा लिक्विड बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें, अदरवाइज इतना पानी काफ़ी है। अब जैसे ही इसका पानी जो है वो बॉयल होगा तो हम इसे हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। तो 5 से 6 मिनट में जो है वो और बन के, मसाला और बन के रहती हैं। मैंने काफ़ी थिक से बनाया है, आप चाहें तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाला ओट्स रेसिपी रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।